हेलो, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मतलब मेरी तबीयत थोड़ी और ज्यादा बिगड़ गई है, ठीक है? तो मैं अभी फिलहाल शायद 1 या 2 दिन ब्लॉग्स नहीं बना पाऊंगा। कल वाले और जो कल वाले ब्लॉग्स थे वो तो मैंने रात में जाकर ही एडिट्स किए थे, कुछ किए थे। तो वैसे सारे काम मेरे हैं, चैनल मेरा है तो करने ही मुझे पड़ेंगे। तो लोग देख रहे हो यार कि तबीयत मतलब मेरा अभी भी ठीक नहीं हुआ। काफी कोशिश की कि ठीक हो जाए, दवाई भी खाएं, बहुत कुछ खाएं, लेकिन यार कोई असर नहीं। दवा वा सब रखा हुआ है यार, सिर दर्द का मतलब बाम वाम सब रखा हुआ है, फिर भी नहीं हो रहा है। और तो सोचिए यार, एक वीडियो बना लेते हैं तो आप लोगों को बता देंगे उसमें कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इस वीडियो में आप लोगों को बस यही बता रहे थे हम आपको कि अभी ब्लॉग हम शायद 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 अपलोड करेंगे या नहीं करेंगे, वो मुझे नहीं पता। वो सिचुएशन के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से। बाय द वे, मेरा मूड तो डेली करता है कि मैं व्लॉग्स बनाऊं, खुद के व्लॉग्स बनाऊं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो मेरे वीडियोस देखते हैं। और बात मैं अपने पिछले वाले वीडियो में भी कहा था। और बाय द वे, ये गॉगल्स इसलिए पहना हूं, मेरी जो आंखें वो थोड़ी अंदर चली गई है तो इससे यार बचने के लिए, जस्ट बिकॉज़ कि वीडियो बन रही है और काफी लोग देखेंगे तो थोड़ा अच्छा सही दिखना मांगता है, है कि नहीं। तो मेरे व्लॉग में काफी मुझे आजकल दिक्कतें आने लगी। किस चीज की दिक्कतें? तो अटकने लगा हूँ बोलते बोलते। ये चीज मैं एक यूट्यूबर से पूछा था, वो भी ब्लॉग्स बनाते हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, बता दूंगा, बातें होती है उनसे भी। तो उन्होंने बोला कि उनके साथ भी वही हाल है, धीरे करके साल डेढ़ साल में ठीक हो जाएगा। तो चलो यार, चलते हैं फिर। ये वीडियो बस यहीं तक और देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम। तो बने रहो। फीवर में मैं वीडियो वीडियो बनाता हूँ, इतना ज्यादा हमको बकी लग रहा है ना, यहीं बैठ के थोड़ा गाना वाना सुनते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा खट्टा है लेकिन अच्छा है, तो सोचा कुछ खा लूँ, भूख भी लग रही थी। वैसे चावल तो नहीं खाने आज, मम्मी मना कर रही थी, वैसे चावल ही खाने का पूरा मन कर रहा है। गजब का खट्टा मीठा मतलब अभी कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब यही करीबन 3 या 4 दिनों से मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है। बिना यार सप्लीमेंट्री लिए यार कुछ नहीं होता है सीरियसली। तो सप्लीमेंट्री यार जब तक नहीं लेंगे तब तक यार जिम हम नहीं करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। पैसा वैसा भी होना चाहिए यार। वैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई ऋतिक भाई है तो पूरा पैसा, नहीं भाई पैसा वैसा एकदम नहीं है, बहुत तकलीफ में है आपका भाई, सो टेंशन है। पैसा ठीक है, वक्त पे निकालना चाहिए, फालतू कामों के लिए नहीं निकालना चाहिए। और जैसे आप लोगों को लग रहा है कि ये काम फालतू है तो अभी उस चीज की नीड नहीं है, तो इसलिए यार नहीं ले रहा हूँ। सो चलो तो इसको बोलते हैं डेली कंटेंट, याद रखें। और जो बंदे मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब वक्त होता है मेरे डॉगी लोग के साथ, चलो उसके साथ चलो सभी। खोल देगा, खोल देगा टोगो, टोगो, डॉगी, टोगो। क्या हो गया सिमी को, क्या हो गया सिमी?
ऊपर अभी इन लोगों को खोलते चल गेट को बंद कर हुआ लगे ओ गुड चलो सिमी आ जा चलो चलो खा लो टोगो खा लो उधर नहीं जाना टोगो उधर नहीं जाना चलो चलो टोगी सिमी सिमी ले सिमी उतरेगी वहां से उतरेगी तुम ऊपर ही छलांग मार दे तो यार बाद में हमको मत बोलना कि तुम बताया नहीं था भाई हम बता दे रहे आप अरे टोगो आ आ टोगो आ आ